हेलो डिफेंस वैरेंट, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप NDA 1 2020, जो कि आने वाले अप्रैल में एग्जामिनेशन है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई अपना कर लें। एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि लगातार हम लोग वीडियो में बताते हैं, अपनी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम लगातार बताते रहते हैं। तो इस वीडियो में भी आज हम बताएंगे कि NDA की तैयारी आप 60 दिन में कैसे करें, क्योंकि समय कम बचा है और अब आपको लग के प्रैक्टिस करनी है। तो आइए हम आपको ये बताते हैं कि 60 दिन में NDA की तैयारी आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि बात करें हम NDA की, तो दो सब्जेक्ट उसमें आते हैं। आपको पता होगा, जो बच्चे NDA दे चुके हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है पता है, जिन बच्चों ने NDA का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मैं बता दूं कि NDA में दो पेपर हैं, एक है आपका मैथ्स का, दूसरा होता है GAT का। मैथ्स में ऑब्वियस सी बात है 120 क्वेश्चंस एंड GAT में आपके 150 क्वेश्चंस। जिनका मैथ्स नहीं होता है, जो बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप NDA का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। मैथ्स का अगर नहीं है तो भी आप NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपको एटलीस्ट मिनिमम स्कोर, मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है मैथ्स का क्वालिफाई करने का, उतना आपको लाना पड़ेगा। और 10th तक की मैथ्स इसमें आती है, तो 10th तक आप ऑब्वियस सी बात है सब मैथ्स लेते हैं, तो 10th तक की मैथ्स इसमें आएगी, जिसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें, 120 क्वेश्चन है, मार्क्स है इसमें 300 मार्क्स का आता है मैक्सिमम मार्क्स इसका। और GAT की बात करें तो 150 क्वेश्चन है 600 मार्क्स के। टाइम आपको 2.5 आवर्स इसमें भी मिलता है, टाइम इसमें 2.5 आवर्स इसमें भी आपको मिलता है। समय थोड़ा कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन उतने ही सॉल्व करें जितना कि हम ईजिली मेरिट में आ जाएं। फॉर एग्जांपल कि मैथ्स में अगर आपको 300 मार्क्स का है, 120 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए 60-65 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मेरा ये 60-65 क्वेश्चन मैं करूँगा और मेरा ये क्वेश्चन सही होंगे, तो ईजिली आप अच्छा स्कोर मैथ्स में कर लेंगे। कम से कम अगर आप इसमें मैथ्स में 200 मार्क्स फॉर या 120-150 मार्क्स भी ले आते हैं, तो आपका एक मैथ्स की जो मेरिट है लगभग वो क्लियर होना तय हो जाता है। बात करते हैं GAT की, जैसे 150 क्वेश्चन है, तो उसमें भी अगर आप मिनिमम से मिनिमम 200 स्कोर कर लेते हैं, जैसे GAT में अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें आपको GS जनरल साइंस, इसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो, और बात करें अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की GK की, जिसमें करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ऑथर्स अवार्ड्स, ये सब चीज़ें आपकी GK में आती हैं। GS में मैंने बता दिया केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो है, और GK में आपका एक और आ जाता है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो ये सब चीज़ें आपको GAT में ध्यान देने की है। GAT थोड़ा बड़ा सिलेबस होता है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जितना भी आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर के पेपर की, और मॉक टेस्ट दीजिए, जहाँ पे मॉक टेस्ट हो रहा हो वहाँ कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेशन अपना दीजिए। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में अगर आके आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अपने आप को जज करना चाहते हैं कि मेरा कितना स्कोर आ सकता है, कितनी मेरिट आ सकती है, तो ये और मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल 200 इसमें स्कोर कर लिया, 150 इसमें कर लिया, तो 350 आपकी ओवरऑल मेरिट आ जाती है। यही मेरिट आपको चाहिए आपको अपना रिटर्न एग्ज़ाम NDA का क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हर साल अगर हम देखें साल दर साल, तो मेरिट 320 कभी 350 इस तरह से जाती है, और 350-375 भी अगर आप स्कोर कर लेंगे तो आप एयरफोर्स की मेरिट तक ईजिली पहुंच जाएंगे, जो कि बच्चों का फेवरेट होता है कि हमें एयरफोर्स का एग्ज़ाम का सॉरी हमें एयरफोर्स की स्ट्रीम में जाना है, तो आपको बच्चों इतना नंबर लाना होगा रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। कुछ होता है कि बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर किस बुक से पढ़ें, कैसे हम तैयारी करें। देखिए, तैयारी अगर आपको करनी है तो प्रॉपर गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर गाइडेंस का मेरा सेंस है कि अगर आप अगर जैसे अभी मार्च चल रहा है, अभी आपके पास पूरा मार्च का महीना है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना है, अप्रैल का 15 अप्रैल तक आपके पास समय है, तो आप गाइडेंस लेने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में क्रैश कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टीचर्स
आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाएंगे कि किस तरह से आप एनडीए इजीली क्लियर करिए। आपको स्टडी मटेरियल्स बुक्स यहाँ से प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे कि आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आपको देना है तो आप मॉक टेस्ट भी आसानी से दे सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एनडीए अपना लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि मुझे एनडीए को क्वालिफाई करना है। कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसके पीछे आपको अपनी स्ट्रेटजी पूरी लगानी होती है, अपना पूरा फोकस देना होता है, अपनी मेहनत लग के करनी होती है। तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप इजीली क्लियर ना कर पाएँ। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप आइए, पूरी इंक्वायरी लीजिए। अगर आपको कोर्स करना है, रेगुलर कोर्स हमारे चलते हैं, क्रैश कोर्स चलते हैं, तो आप एनडीए आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अंडर दी गाइडेंस ऑफ विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, इनकी गाइडेंस में संस्था चलती है, जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी जब आप पेपर देने जाएंगे। आफ्टर एनडीए जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। किसी का होता है कि एनडीए क्वालिफाई कर लेता है, उनकी एसएसबी की डेट आने वाली होती है, तो अगर आपको सिर्फ एसएसबी करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं और क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप इस चीज़ को लेके चलें, जो जो चीज़ मैंने आज बताई है, मॉक टेस्ट बहुत से, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो उन तक पहुँचाइए जो एनडीए के एग्ज़ाम देने वाले हैं। वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार देते रहिए, जैसे कि आप लगातार त्रिशूल की वीडियोस पे दे रहे हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।